सरस्वती पाड़ के दिखाऊं। ये बताएं सभी लोग टोटल कितनी फीस दी है? 19,200। इससे ज्यादा कोई रहने खाने का पैसा तो नहीं लिया? नहीं। ऐसा तो ना लग रहा कि हमारा 19,200 बेकार गया? नहीं। कैसे माने? ये सर्टिफिकेट टेस्ट ले लीजिए सर, टेस्ट सर सत्ती पाड़ के दिखाऊं। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है टाइम खराब हुआ? नहीं। काम कर पाओगे? यस। अच्छे से? यस। बाद में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो दोबारा भी आ सकते हैं? यस सर। ठीक है। कैमरा इसको ओपन करें। देखिए इतना फोटो वीडियो जितना भी इसके अंदर था आप देख सकते हैं, जिस किसी का भी होगा यहाँ पे सारे फोटो वीडियो मिल चुके हैं। देखिए दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोई डेड फोन है और उसका डाटा कैसे रिकवर करें। यदि कोई आपके पास डेड फोन आता है उसकी MMC से हम कैसे डेटा रिकवर करें, फ़ोटो वीडियो किस तरीके से उसके बाहर निकालेंगे, सेफ एक क्लिक में सारे फ़ोटो कैसे रिकवर करेंगे, इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। हमारा 12 अक्टूबर का बैच फुल हो चुका है, हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है ऑफलाइन में। 12 नवंबर दिसंबर की बुकिंग चालू है, 12 नवंबर दिसंबर की बुकिंग चालू है। फीस हमारा 19,200, रहना खाना फ्री है। 19,200 जो फीस है दिसंबर तक ऑफर रहेगा। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके अपना बुकिंग करा सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अक्टूबर के बैच में ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप 3,000 रुपये में जो ऑनलाइन कोर्स अपना कर सकते हैं। एक बार आप ऑनलाइन करिए, फिर दोबारा से आप आना चाहते हैं नेक्स्ट बैच में, ऑफलाइन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कोर्स 25-30-40-50,000 रुपये का जो होता है हम आपको 19,200 में सिखा रहे हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है RPP इंस्टीट्यूट UP अलीगढ़ में स्थित है। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। ये अब आप देखेंगे कि मेरे हाथ में एक IC है जिसे EMMC IC कहते हैं, एक UFI का एडेप्टर है। इसके अंदर कैसे इसको लगाएंगे, जैसे मदरबोर्ड पे आप IC को बिठाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आपको बॉल मैच करने हैं और यहाँ पे इसको बिठाना है। IC रिवॉल्व होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिससे कि IC हमारी एक बार में बैठ जाएगी। तो यहाँ पे IC बैठ चुकी है। अब इसको लॉक कैसे करें, इसको लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से इसके बैक साइड में यहाँ पे आपको एक उंगली रखनी है ऐसे, और ये नीचे दब जाएगा। फिर इसको आप ऐसे दबाएंगे और इतना करने के बाद इसका जो दूसरा कनेक्टर है, इस कनेक्टर से आपको इसको जो कनेक्ट करना है, तो हम इसको यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद EMMC टूल बॉक्स जो है इसको आप ओपन करें, जो EMMC टूल बॉक्स है इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो जब ये ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद इसको फुल स्क्रीन पे आपको करना है। इसको फुल स्क्रीन पे कर दिए। फुल स्क्रीन पे करने के बाद हमें क्या सीखना है, EMMC के अंदर से कैसे डेटा रिकवर करें, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी होता है आप कैसे इसे बैकअप लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे। अब आप एक ऑप्शन देखेंगे, इस कोने पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आता है जिसे कहते हैं आइडेंटिफाई। तो हम आइडेंटिफाई पे क्लिक करें। आइडेंटिफाई पे क्लिक किए, आइडेंटिफाई पे क्लिक करने के बाद EMMC इसके अंदर जब लगी होगी तो यहाँ पे हमारे को इसमें डिटेल्स देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने जब इसको क्लिक किया तो यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिली। ये सारी डिटेल्स होती हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो इसके मैंने Part 1 Part 2 वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ पे जाके आप देखें। अब हमें डेटा निकालना है तो आपको जाना है यूजर एरिया पार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यूजर एरिया पार्ट पर जाने के बाद, इस पर जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है यूजर डेटा। इस पर माउस से, जो माउस है देखिए, माउस से इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लोर फाइल सिस्टम जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद मोबाइल के अंदर जितनी भी फाइलें थी, मोबाइल के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे हमें कोई भी फ़ोटो वीडियो निकालना है, अब तक क्या होता था एक एक करके निकालते थे, आज के वीडियो में सीखेंगे इसको पूरा एक साथ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखना है कि किसके अंदर डेटा मिलेगा किसके अंदर नहीं मिलेगा, कह नहीं सकते किसके अंदर होगा। तो यहाँ पे ऊपर मीडिया है, इस पर क्लिक करें। मीडिया के बाद में इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप देखेंगे DC
आई एम, जो भी फ़ोटो खींचे होंगे यहाँ पे आपको फ़ोटो इसके अंदर क्लिक करेंगे। अब दो ऑप्शन आ चुके हैं, कैमरा और एंड्रॉयड। तो कैमरे से फ़ोटो खींचे होंगे तो यहाँ पे दिखाई देंगे, इस पर क्लिक करें। देखिए इसके अंदर डेटा है, इतने फ़ोटो हैं इसमें, बहुत सारे फ़ोटो हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे फ़ोटो हैं। अब क्या करना है कि हमें सारे फ़ोटो एक साथ कॉपी करने हैं, बैकअप एक साथ लेना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज दिया एक्सट्रैक्ट टू, इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अब आपको देखना है कि कहाँ पे सेव करना है। जैसे डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना देते हैं, देखिए न्यू फोल्डर टू के नाम से आया, इसको ओपन करें। यहाँ पे आप करेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद में नीचे इसकी प्रोसेसिंग चल जाएगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद इसके अंदर जितना भी फ़ोटो वीडियो होगा वो सब कहाँ से हो जाएगा, डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर के अंदर। तो इस तरीके से डेटा को रिकवर करते हैं। अभी देखेंगे क्या हमारा फ़ोटो वीडियो रिकवर हुआ या नहीं हुआ। आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं, नवंबर दिसंबर की बुकिंग चल रही है। नवंबर में आधे से ज़्यादा सीटें हमारी बुक हो चुकी हैं। हमारे यहाँ आप सीखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो 1.5 से 2 महीने पहले आप अपना बुकिंग करा के रखें, जिससे कि आपको सीट कंफर्म रहेगा और आपको सीट आपकी मिल जाएगी। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाएंगे, बेसिक से एडवांस सिखाएंगे बताएंगे हम, सीखना आपको। जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे मेरे पास या कहीं भी किसी के पास भी, तो आप नहीं सीख सकते। बताने का काम हमारा होता है टीचर का, और मेहनत करने का काम जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे आप सीखना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, जैसे मर्जी, बताने से कुछ नहीं हुआ, आपको अपने हाथों से करना पड़ेगा। जब ये चीज़ें आप क्लियर होती, जितनी प्रैक्टिस करते हैं, जितना बार बार करते हैं, उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेटा हमारा रिकवर हो रहा है, इसमें इंतज़ार करेंगे। यदि पूरा डेटा चाहिए तो इसमें थोड़ा सा हमारे को इंतज़ार करना। देखिए अब क्या है कि जो डेटा है वो तो कॉपी होता रहेगा, लेकिन जो हो गया उसको देख लेते हैं। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं, इसका जो फोल्डर था न्यू फोल्डर टू था, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद डेटा को ओपन करें, इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे जो है मीडिया है इसको खोलें, जीरो खोलें, किसके अंदर था डीसी आईएम, इसको खोलें, क्या था कैमरा, इसको ओपन करें। देखिए इतना फ़ोटो वीडियो जितना भी इसके अंदर था आप देख सकते हैं, जिस किसी का भी होगा यहाँ पे सारे फ़ोटो वीडियो मिल चुके हैं। तो जो EMMC रहती है उसके अंदर से आप डेटा किस तरीके से निकालेंगे, क्वालिटी की बात है तो वो भी चेक कर लेते हैं। जैसे इस भाई का ये फ़ोटो है, इसको ओपन किए, जो क्वालिटी फ़ोन से खींची हुई है वही क्वालिटी इसके अंदर मिलती है, कोई अंतर नहीं मिलता। तो इस तरीके से आप किसी भी डेड मोबाइल का डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो ऑप्शन मैंने बताया था कि वो ऑप्शन खुलता है राइट क्लिक करने के बाद तभी डेटा निकलता है, वो नहीं खुलता तो डेटा नहीं निकलेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।